राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा जी। राधे। बीना जय जी के श्री किचन कृष्णा में जी। आप सभी बीना का जी के स्वागत किचन है। में आप सभी का तो बढ़िया स्वागत है। सूप के वो बन तो के आज तैयार हमने हो ये गई बड़ी है ये, बनाई है और और आपको हम इनको बताते हैं स्टोर ये करके कैसे रखेंगे बनती है। बढ़िया। एक कंटेंट जार में। तो आज बनाएंगे चने की दाल की बड़ी। हम चने की दाल ले लिया हमने ये कच्ची, और ये एक बाउल ले लिया भर के। तो इस दाल को हम धो लेते हैं, अच्छे से धो के भिगो देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दाल को हमने धो के भिगो लिया अच्छे से, 5-6 घंटे हो गए इस दाल के लिए। ये देखो कितनी अच्छी भीगी है ये। अब दाल को हम इसको पीस लेते हैं, ये मिक्सर जार में दाल को डाल लेते हैं। दाल हम एक बार में नहीं पीसेंगे, दाल हम दो बार में पीसेंगे, और पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। और ये ढक्कन बंद कर देते हैं। तो दाल पिस गई है, देख लेते हैं हम। ये दाल बहुत अच्छी पिसी है, ये देखो इस तरीके से ही चाहिए हमें, न मोटी न पतली। तो दाल को हम निकाल लेते हैं इस बर्तन में, ये इस तरीके से जो बची हुई दाल है हम वो भी पीस लेते हैं। तो दाल हमने सारी पीस ली है ये, और ये निकाल लेते हैं दूसरा घना भी दाल का हम। तो दाल में हम ये कुटी मिर्च डाल लेते हैं, अब डालेंगे ये मसाले, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, कुटी मिर्च डाल लेते हैं, हमने चिल्ली फ्लेक्स डाली थी पहले, ये इस तरीके से। थोड़ा सा हम दरदरा धनिया डाल लेते हैं, और अब डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार। क्योंकि हमने नमक कम ही डाला है, क्योंकि हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में भी नमक ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही डाला है। और ये डाल ली हींग, हींग से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं इस तरीके से। तो दाल को हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं इसकी बड़ी। तो दाल को आधे घंटे हो गया है, जो फूल के ऊपर आ गई है बाउल से, कितनी अच्छी फिटी है दाल ये, और आधे घंटे में बनके तैयार हो गई है ये। और एक लेंगे ये दूध की थैली। दूध की थैली हर घर में मिल जाती है। और एक लेंगे हम ये गिलास। हम ये इस तरीके से ये थैली को काट लेते हैं, और गिलास को ऊपर पन्नी को इस तरीके से ये दूध की रख लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें हम ये दाल भर लेते हैं, और इस तरीके से हम लेंगे और थैली को उठा लेंगे ये इस तरीके से। ये अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है, और थाली हम देसी घी से ग्रीस कर लेते हैं इसको। सरसों के तेल से ग्रीस ना करिए, क्योंकि बड़ी में स्मेल आ सकती है। ये देखो इस तरीके से मैंने थाली को ग्रीस कर लिया। तो थैली को हम थोड़ा सा काट लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, इस तरीके से थोड़ी सी काटेंगे थैली को। ये थैली का हमने मुंह काट लिया। अब इस तरीके से हम ये इस तरीके से हम बड़ी बनाते जाएंगे ये।
इस तरीके से हम बढ़िया सारी बना लेंगे। टेढ़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी को इस तरीके से हम सारी तोड़ लेंगे। ये देखो बहुत आसान तरीका है ये। मैंने बोला ना छोटी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, गोल नहीं हो रही कोई बात नहीं। ये देखो ये देखो कितनी अच्छी बढ़िया है। तो हम दूसरे बर्तन में भी इस तरीके से ही बना लेते हैं। ये देखो तो इस तरीके से हमने सारी बढ़िया बना ली हैं। ये कितनी बढ़िया बढ़िया बनी है ये। तो इन बड़ियों को हम धूप में नहीं सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप आ रही हो तो धूप में सुखा सकते हो। ये हम घर में ही सुखाएंगे पंखे के नीचे टेबल पे। टेबल पे ही इसको रख देंगे थालों को सबको और टेबल पे सूख जाएंगे अच्छे से। ये बढ़िया मैंने सारी टेबल पर सुखा रखी है पंखे के नीचे। पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी। ये देखो ये सारी हम धूप में नहीं पंखे के नीचे सूख रही हैं ये सारी। अब इनको 2 दिन तक हम सूखने देंगे पंखे के नीचे, फिर मिलते हैं आपसे 2 दिन के बाद। तो ये बढ़िया सूख के तैयार हो गई हैं। 2 दिन हो गए इनको। ये देखो कितनी अच्छी बढ़िया सूखी हैं। और ये देखो ये इनको छुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूँ ही छूट गई अपने आप ही। ये देखो छूट गई बेटा अपने आप ही। ये देखो ये और नहीं तो बर्तन में चिपकी ये जरा सी भी। ये देखो ये छाव में ही सूख गए, इनमें कोई टाइम नहीं लगा। और ये कुछ ये रही, ये कुछ हमने हाथ से बनाई थी ये बड़ी बड़ी, और ये पॉलिथीन से बनाई थी। एक जार ले लेंगे हम, उसमें भर लेंगे ये। और इनमें कोई टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी सूख गई है 2 दिन के अंदर। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इनमें जो प्लेट में घी लगाना है, सरसों का तेल नहीं लगाना। जब हम स्टोर करके रखेंगे तो ना इसमें स्मेल आने लगेगी सरसों के तेल की। और दाल अपने हिसाब से मोटी पतली जैसे भी पीस सकते हैं, और बड़ी छोटी अपनी बढ़िया बना सकते हैं। और एक बार जरूर बनाना ही बढ़िया। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये। इसमें इन मगोड़ियों को धूप लगाते रहे। ये देखो हमने धूप में नहीं सुखाई और छाए में ही सुखाई है, कितनी अच्छी बढ़िया बनी है। ये देखो अब इनको हम एक जार के अंदर भर के रख लेंगे स्टोर करके। तो बड़ियों को 3 दिन हो गए बाउल के अंदर रखे हुए। ये देखो कितनी अच्छी आवाज आ रही है कड़कड़। अब इनको ये हम कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर जार, और इसके अंदर बड़ियों को भर लेते हैं स्टोर करके। ये इस तरीके से
ये देखो, और बीच बीच में हम धूप भी लगाते रहेंगे, और आप भी बनाओ तो बीच बीच में एक दो महीने के बाद धूप लगाते रहना। हमने एक साल के लिए, छः महीने के लिए स्टोर करके रखनी है ये। देखो कितनी मस्त बढ़िया बनी है ये। गर्मियों में कोई सब्जी समझ में नहीं आती तो थोड़ी सी बढ़िया ले लो और उनको बना लो।